Hi, friends, welcome to Ignited Minds. Today, we are going to do a lesson from your beehive book, Class 9. The name of the lesson is My Childhood. It is written by Dr. A.P.J. Abdul Kalam. This is an extract from his book, Wings of Fire. We all know that he was a great scientist who guided India into the 21st century. He was the 11th president of our country in 2002. In this lesson, he recalls some of his childhood memories and tells us about his parents, friends, his experience at school, his joy, the society in which he grew up, etc. सो लेट स्टार्ट द लेसन डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि उनका जन्म रामेश्वरम के एक टाउन में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था उनके पिता का नाम जन था एंड उनकी मदर का नाम अशियम्मा था उनके फादर ज्यादा कुछ पढ़े लिखे तो नहीं थे बट काफी समझदार थे इन नेट विजडम यानी इन बोर्न इंटेलिजेंस उनके पास ज्यादा दौलत तो नहीं थी बट वे काफी उदार दिल के थे ही वॉज वेरी जनरस ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन हिज मदर उन्हें याद नहीं रोज उनकी माँ कितने लोगों को खाना खिलाती थी रोज बाहर के लोग भी उनके यहाँ खाना खा के जाते थे डॉक्टर कलाम के पेरेंट्स काफी टॉल एंड हैंडसम थे बट ही अ शॉर्ट बॉय ऑर्डिनरी लुक्स यानी उन्होंने उनके पेरेंट्स की की फिजिकल इनहेरिट नहीं थी वे रामेश्वरम मस्जिद वाली गली मॉस्क स्ट्रीट में अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे इट वॉज बिल्ड इन नाइनटीन सेंचुरी एंड वो काफी पक्का मकान था विच वॉज मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक उनके फादर काफी सिंपल बट स्ट्रिक्ट थे किसी भी तरह की असेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज को अवॉइड ही करते थे बट हाँ बच्चों के लिए खाना जरूरी मेडिसिन या कपड़ों के लिए उन्हें कभी भी मना नहीं किया जाता था उनका बचपन काफी सिक्योर था इमोशनली भी एंड मेटेरियली मेटेरियली यानी खाने पीने एंड कपड़ो की नेसेसिटीज हमेशा पूरी की जाती थी एंड इमोशनली यानी उन्हें अपने पेरेंट्स ऐसी हमेशा लव एंड अफेक्शन मिलता रहा सो डॉक्टर कलाम वॉज वेरी थैंकफुल टू

पैसे देते थे सो so, कलाम इस एक आने को काफी वैल्यूएबल कहते हैं तो ही इज बीइंग आरोनिक क्योंकि थी तो वो काफी छोटी अमाउंट बट इट मैं लॉट ऑफ मनी टू हिम कलाम के ब्रदर इन लॉ का नाम था जलालुद्दीन वे उन्हें वॉर के बारे में स्टोरी सुनाया करते थे बाद में उन स्टोरीज के आधार पर हमारे यहाँ डीनामनी करके तमिल न्यूज आया करता था तो मैं इन स्टोरीज को डीनामनी के हेडलाइंस में ट्रेस किया करता था रामेश्वरम वॉज अ स्मॉल आईलैंड टाउन सो उन दिनों जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसका उनके एरिया में ज्यादा कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा था बट थोड़े ही टाइम में इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज एंड अचानक सब जगह स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई अगर हम एमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं दैट मीनस की द सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड रूलिंग पार्टी का रूल वो टाइम बींग के लिए खत्म करके प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री पूरे कंट्री में कर्फ्यू लग जाता है एंड एमरजेंसी के ड्यूरिंग हमारे काफी सारे फंडामेंटल राइट्स भी छीन लिए जाते हैं पहले रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी बट वर्ल्ड वॉर की वजह से ट्रेन का स्टॉपेज कैंसिल कर दिया गया एंड अब ट्रेन रामेश्वरम रुकने के बजाय सीधे आगे धनुष कोड़ी के लिए निकल जाती थी तो अब रामेश्वरम के न्यूज को बंडल करके चलती ट्रेन में रामेश्वरम स्टेशन पर फेंकना पड़ता था अब्दुल कलाम के कजिन समसुद्दीन यूज टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यूज इन रामेश्वरम बट जब ट्रेन का स्टॉपेज वॉज कैंसल्ड एंड न्यूज पेपर के बंडल को चलती ट्रेन में से फेंका जाने वाला था तो नेचुरली ही नीडेड सम वन टू हेल्प हिम एंड कलाम समसुद्दीन को हेल्प करने लगे बाई कैचिंग बंडल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द न्यूज पेपर समसुद्दीन उन्हें सैलरी देता था जो अब्दुल कलाम की फर्स्ट अर्निंग थी किसी को भी अपनी पहली कमाई तो याद होती ही है एंड वो उनके लिए खुशी की बात भी होती है सेम वॉज द केस विद कलाम ऑल्सो हाफ अ सेंचुरी लेटेड यानी अपनी पहली कमाई वाले इंसिडेंट के 50 साल के बाद भी ही कुड फील सेटिस्फाइड एंड प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कोई भी बच्चा अपने इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होता है एंड उन पे ऑथोरिटी चलाने का हक किसके पास होता है तो उनके पेरेंट्स के पास दिस इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली एंड एनवाइ एट होम कलाम को ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से मिली थी एंड डीप काइंडनेस एंड फेथ इन गुडनेस अच्छाई में विश्वास उन्हें अपनी मदर

को बिलोंग करते थे एंड उनके तीन फ्रेंड्स बिलोंग टू स्ट्रिक्ट हिंदू ब्राह्मी फैमिलीज बट ये बच्चे एक दूसरे के इतने पक्के एंड क्लोज फ्रेंड्स थे कि रिलीजन कभी भी उनके बीच में आया ही नहीं रामेश्वरम टेंपल करके रामेश्वरम में काफी फेमस टेंपल है इट इज ऑल्सो वन ऑफ अवर ट्वेल्व ज्योतिर्लिंग पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो रामानंद शास्त्री के फादर थे वे रामेश्वरम टेम्पल के जाने माने एंड हाई प्रिस्ट थे यानी वे वहाँ के मुख्य पुजारी थे मेन प्रिस्ट धीरे धीरे ये सब बड़े होने लगे रामानंद शास्त्री अपने पिता की के जगह मंदिर के पुजारी बन गए अरविंदन ने अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जो भी भक्त आते थे उन पिलग्रिम्स को बस से स्टेशन से या रेलवे स्टेशन से मंदिर तक लेके आने जाने का काम संभाल लिया था एंड शिव प्रकाशन सदर रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रेक्टर बन गया था यानी वो रेलवे में फूड सप्लाई करता था साउथ इंडिया में कल्याणम सेरेमनी यानी मैरेज अकॉर्डिंग टू द इंडियन माइथोलॉजी लॉर्ड रामा को कहा गया था की वे खुद भगवान शिव का लिंगम वहाँ स्थापित करें एंड उसकी पूजा करे क्योंकि वे रावण के साथ युद्ध करने वाले थे एंड रावण एक पक्का ब्राह्मी एंडोटी ऑफ लॉर्ड शिवा थे सो ही वॉज आज टू एस्टेब्लिश अ शिवलिंग टू बी फ्री फ्रॉम देंस ऑफ किलिंग रावण प्योर ब्राह्मण सो दिस इज द स्टोरी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रामेश्वरम टेम्पल सो ड्यू टू दिस रामेश्वरम में रामा एंड सीता की कल्याण सेरेमनी काफी धूमधाम से मनाई जाती है सो so जब भी ये राम एंड सीता की कल्याणम सेरेमनी होती थी कलाम की फैमिली भी इसमें हिस्सा लेती थी वे लोग बोट का अरेंजमेंट करते थे उस बोट पर स्पेशल प्लेटफॉर्म होता था जिस पर लॉर्ड रामा की मूर्ति रख कर मंदिर से मैरिज साइट पर ले जाया जाता था दिस मैरिज साइट वॉज इन द मिडल ऑफ अ पौंड नेम्ड राम तीर्थ एंड ये पौंड कलाम के घर के काफी पास था जब ये छोटे से बड़े हुए तब तक उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हिंदूज मुस्लिम के फेस्टिवल एंड रीत रिवाज अलग होते थे दैट इज वाई दे पार्टिसिपेटेड इन ऑल द फेस्टिवल्स कलाम कहते हैं की रात को सोते टाइम उनकी मदर एंड उनकी ग्रैंड मदर उन्हें रामायण एंड प्रॉफिट के किस्से सुनाया करते थे यानी वे कहना चाहते है की बचपन में उन्हें हर एक रिलीजन की स्टोरीज सुनाई जाती थी विदाउट कोई भी रिलीजन को लेकर भेदभाव किए कलाम रिकॉल्स एन इंसिडेंट विच टूक प्लेस वेन ही वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड नाउ क्योंकि अब्दुल कलाम एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते थे so ही यूज टू वेयर कैप ऑन हिस्स जिससे पता चलता था की वे एक मुस्लिम है उनका फ्रेंड रामानंद शास्त्री ब्राह्मीण फैमिली को बिलोंग करते थे सो ही यूज बाईस एक नए टीचर आए थे एंड उन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई की एक पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़के के बाजू में बैठे कुड नॉट स्टमक यानी कुड नॉट टॉलरेट उन दिनों ब्राह्मीण एंड वो भी इतने बड़े मंदिर के पुजारी को काफी मान सम्मान एंड इम्पोर्टेंस दिया जाता था एंड सोशल रैंकिंग रामानंद शास्त्री दोनों को बहुत बुरा लगा रामानंद को इतना बुरा लगा की वे रोने लगे कलाम स्टिल रिमेम्बर्स द इमेज ऑफ रामानंद क्राइंग उस सीन ने नन्हे से कलाम के दिल में रामानंद की जो उनके लिए एक सच्चे दो की फीलिंग थी उसे एक लाइफ लॉन्ग इम्प्रेशन की तरह उनके दिल में प्रिंट कर दिया स्कूल के बाद घर जाकर दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स से स्कूल वाली बात कही तुरंत लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलवाया एंड हमारे प्रेजेंस में ही उनसे कहा कि इन इनोसेंट बच्चों के दिमाग में सोशल इनक्वेलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस का जहर ना भरे ही ब्लंटली आस्ट द टीचर टू अपोलोजाइज माफी मांगने को कहा या तो स्कूल एंड ये आइलैंड दोनों छोड़कर चले जाने को कहा The teacher regretted his and उन्होंने अपने बिहेवियर पर पछतावा हुआ। and जिस तरह से शास्त्री ने सोशल पर ब्लंटली अपना ओपिनियन दिया उसकी वजह से टीचर फाइनली चेंज हिज थिंकिंग पहले के टाइम में सोसाइटी को चार कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था सबसे ऊंची कास्ट उस टाइम में ब्राह्मण की होती थी देन लास्ट में शूद्रस एंड इस के

सोसाइटी में कोई भी सोशल बैरियर्स ना हो अलग अलग कास्ट एंड रिलीजन के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे वे कलाम के साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे वे कलाम को हमेशा एनकरेज करते थे उन्हें मेहनत करने को कहते थे सो दैट ही कुड बी एट द सेम लेवल एज द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज ऑन पार यानी एट द सेम लेवल एक दिन उनके साइंस टीचर ने कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया नाउ शिव सुब्रमण्यम अयर की वाइफ एकदम कंजर्वेटिव एंड और थी, थी, वो अपने को 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 करती थी। कोई भी inferior या lower religion के लोग, उसके उसके करने वाले किचन में enter नहीं कर सकता था, यहां तो उनके husband ने एक मुस्लिम लड़के को खाने पर इनवाइट कर दिया था वो ऐसा बिलीव करती थी कि कोई भी इंफेरियर रिलीजन के लोग उसके किचन को इम्प्योर कर देंगे उन्होंने मना कर दिया कि वे एक मुस्लिम लड़के को अपने किचन में घुसने नहीं देंगे एंड उस से खाना भी सर्व नहीं करेंगे बट शिव सुब्रमण्यम अयर ना ही अपसेट हुए एंड ना ही उन्होंने अपनी वाइफ पे गुस्सा किया पर्टर्ब यानी अपसेट ही अपसे कलाम विथ हिज ओन हैंड एंड उनके बाजू में बैठ खाना भी खाया उनकी वाइफ मुझे अपने किचन के दरवाजे के पीछे खड़े रहकर देखती रही मैं सोच रहा था कि मैंने जिस तरह से चावल खाए पानी पिया या खाना खाने के बाद फ्लोर को साफ किया उसमें कुछ फर्क दिखाई दिया होगा वॉजर एन एनी डिफरेंस खाना खाकर जब मैं जा रहा था तो शिव सुब्रमण्य अयर ने मुझे वापस नेक्स्ट वीकेंड खाना खाने को इनवाइट किया मैं थोड़ा सा हिचकिचाया तो मेरे सर ने कहा कि चिंता मत करो अगर तुमने सिस्टम को चेंज करने का डिसाइड कर ही लिया है तो ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम तो हमें फेस करने ही पड़ेंगे कंफ्रंटेड यानी फेस्ड या तो टिकल्ड जब मैं नेक्स्ट वीक उनके यहाँ डिनर पर गया तो उनकी वाइफ खुद मुझे किचन के अंदर लेकर गई एंड अपने हाथों से मुझे खाना सर्व किया नाइनटीन फोर्टी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ एंड इंडिया को आजादी मिलने ही वाली थी दैट इज इन 1947 फोर्टी सेवन अबाउट टू हैपन अनप्रेसिडेंटेड यानी नेवर डन और नोन बिफोर वी कैन से दैट द गवर्नमेंट टुक द अनप्रेसिडेंटेड स्टेप ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन एंड ऑप्टिमिज्म यानी होपफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर हमारे फादर ऑफ द नेशन दैट इज महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया की इंडियंस वुड बिल्ड दर ओन इंडिया हम इंडियंस अपना खुद का इंडिया बना बनाएंगे एक आजाद इंडिया बनाएंगे पूरे कंट्री में जैसे एक आशा की किरण फैल गई थी द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद नाउ कलाम के 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 हायर स्टडीज लिए रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम जो डिस्ट्रिक्ट था वहां जाने के लिए उन्होंने अपने फादर से परमिशन ली तो उनके फादर ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें रामेश्वरम छोड़कर जाना पड़ेगा सो दैट यू कुड मूव अहेड इन योर लाइफ वे सीगल का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं सीगल इज अ काइंड ऑफ बर्ड सो वे कहते हैं की क्या सीगल पूरी खुले आकाश में अकेले एंड विदाउट अ नेस्ट नहीं उड़ता है उसे भी तो अपना घर छोड़कर खुले आकाश में उड़कर जाना ही पड़ता है उसी तरह से तुम्हें भी अपना नेस्ट, अपना नेस्ट घर छोड़कर खुले आकाश में जाना ही पड़ेगा सो देट यू कुड मूव अहेड इन योर लाइफ जब कलाम की मदर को पता चला की वो घर छोड़ कर हायर स्टडीज के लिए रामनाथपुरम जाना चाहते है तो शी वॉज वेरी अपसेट एंड वरिड तब कलाम के फादर उन्हें शांत करते हुए खलील जिब्रान द्वारा लिखी गई फेमस पोयम योर चिल्ड्रन में से कुछ लाइंस के थ्रू समझाते है कि ये जो तुम्हारे बच्चे है वो तुम्हारे नहीं है वो तो इस लाइफ के बच्चे है तुम्हें लाइफ ने बच्चे दिए दैट मीन कि तुम्हारा इन पे रूल चलेगा तुमने इन्हें जन्म दिया है बट इसका मतलब ये नहीं है की वे तुमसे हमेशा बंदे रहेंगे तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो बट अपने थॉट अपनी सोच अपने विचार तुम उन पे नहीं थोप सकती बिकॉज दे हैव ओन एंड ही हर टू गिव फ्रीडम टू फुलफिल देर थोट सो इस तरह से वे कलाम की मदर को कन्विंस करते हैं की उसे रामनाथपुरम जाने दिया जाए सो विद एंड ऑफ दिस लेसन थैंक यू